आज यही संदेश देना चाहेंगे। आज हथिया पथल का मेला जो सदियों से लगता है और हमारे जो टूसू के गीत हैं जिसमें हमारी माताएं बहने गीत गाती हैं, हथिया पथल पारसनाथ का जिक्र करते हैं, यानी ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है और हम लोग चाहेंगे कि धीरे धीरे झारखंड में कहीं ना कहीं बीते सालों में झारखंड की जो संस्कृतियाँ हैं, जो मूल पहचान है, वह विलुप्त हो रही थी, चाहे भाषा हो, परंपरा हो, नेक नियम हो। तो ये जो नया आंदोलन आया है, नव आंदोलन झारखंड में, यह कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को, अपनी पहचान को स्थापित कर रहा है। तो उसी क्रम में आज हम लोग शहीद निर्मल महतो चौक में स्थित हैं और यहीं से हथिया पत्थर के लिए पद यात्रा करते हुए सभी जो जाएंगे और इस मेला का जो चलता आ रहा है सदियों से, उसी के लिए आह्वान करना चाहेंगे नहीं पहुंचे मेला पहुंचेंगे अभी हथिया पत्थर का मेला। और साथ ही यही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति होती है, अपनी संस्कृति को स्थापित रखें, उसे जीवंत रखें ताकि वह इंसान जीवंत रह सके। इसके बाद फिर पारसनाथ हो रहा है कल का। हाँ, कल पारसनाथ भी हमारी संस्कृति का प्रतीक है और पारसनाथ से हमारा वजूद है, हमारा इतिहास है, हम लोग भी उसे बड़ा पहाड़ कहते हैं। और पारसनाथ के इर्द गिर्द जितने भी ये गांव हैं वो कहीं ना कहीं उस पहाड़ पर आश्रित हैं, उनका कर्म भूमि भी है। और इसीलिए मेरा मानना है कि ना पर्यावरण को, जंगल जमीन पहाड़ को बचा कर रखना झारखंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, झारखंड के लोगों की। और हम चाहेंगे कि आज झारखंड के लोग जो जागरूक हो रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए, यह कायम रहे। कुछ धर्म के लोग पारसनाथ को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कुछ लोग पीछे से कार्य कर रहे हैं जो पूरी तरह से कॉरपोरेट्स हैं। क्योंकि आप लॉजिकली अगर बात करें तो पारसनाथ पहाड़ इस भूभाग में बसा हुआ है, उस भूभाग में कहीं ना कहीं जितने भी गांव है वो मूलतः झारखंड के मूलवासी लोगों का गांव है, आदिवासी हो, मूलवासी हो या अन्य समुदाय के लोग हों, उस विशेष समुदाय का मुझे लगता है एक छोटा सा टोला भी नहीं है। अतः आस्था के नाम पर किसी का उन्मूलन ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी को नष्ट ना किया जाए, आस्था का हम सम्मान करेंगे, लेकिन एक परिसर पर ले गए पूरा जो 16,000 एकड़ फैला पारसनाथ पहाड़, कहीं ना कहीं अगर आप आस्था के आधार पर अगर लोगों को मैंने वहाँ से खदेड़ने का प्रयास करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, वो हमारी अस्तित्व का पहचान है। तो इसके लिए आगे तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल जल जमीन जंगल की लड़ाई के लिए झारखंड का आगाज हुआ है, हम लोग अंग्रेजों से भी अगर लड़े हैं तो पर्वत पहाड़ जंगल बचाने के लिए, और ये तो हमारे लड़ाई के स्तंभ और आधार रहे हैं। थोड़ा अपील कर जिंदाबाद। तो सभी से अपील रहता है, कुणाल रहता नहीं तो अपील कर दे, जितना भी है अभी सभी लोग से निवेदन है कि अब BTPS से जो भी साथी आ रहे हैं वो करगली गेट में पहुंचे, वहां पर रिसीविंग के लिए आपको वहां पर लोग खड़े हुए हैं, और जो नावाडी क्षेत्र तरफ से आ रहे हैं वो निर्मल माथो चौक पर रुकेंगे, हम लोग निर्मल माथो चौक पर सभी लोग हैं, तो जल्द से जल्द आए, काफी विलम्ब हो रहा है। बाकी दादा बोलेंगे कुछ हवा हथिया पथल का मेला दादा।